अपना शहर अपनी बातें, अपना शहर अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बघुन टाका, मंत्री मोजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाका पटा पटाका। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज पूरा शहर। News, views, and interviews, fresh and hot, without excuse, without excuse, without excuse. So tune in, keep watching, पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क अपना शहर अपनी बात। नमस्कार, कोणार्क अपना शहर अपनी बातों के आज के इस एपिसोड में मैं कुणाल कपूर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की और देखते हैं कि किस प्रकार से रही शहर की खबरें और क्या रही शहर की गतिविधियां। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। आज के इस एपिसोड को शुरू करने से पहले आइए शहादत के उन शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने 26/11 के हमले में अपनी जान की आहुति देकर मुंबई को सलामत रखा। हम यही निवेदन करते हैं सभी देशवासियों से कि जिस प्रकार से सभी शहीदों ने अपनी जान की आहुति देकर हमारी रक्षा की, तो उनकी सोच को कभी भी खत्म ना होने दें। इन सभी शहीदों को भावपूर्वक श्रद्धांजलि और कोणार्क और मंच टीवी की ओर से इन सभी को सलाम। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। उल्लासनगर कैंप क्रमांक 5 के हंसमुखी डिग्री कॉलेज में शहीदों की शहादत को याद करते हुए छावा संगठन द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान 26/11 के हमले में शहीद हुए कांस्टेबल शहीद अरुण चीते के परिवार के सदस्य भी मौजूद रहे और सभी शहीदों को भावपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सर्वना जय हिंद जय शिवराय। आज 26/11 मुंबईवर झालेल्या आत्मघातकी हल्ल्यानिमित्त आज सगळ्या सर्व शहीदांना मानवंदना देण्यासाठी आज इथे जमलेले सर्व पदाधिकारी, कार्यकर्ते, सामाजिक संघटना, पत्रकार या सर्वांचं मी आभार व्यक्त करतो। 26/11 हा हल्ला फक्त मुंबईवर झाला नसून हा संपूर्ण देशावरती हमला असून प्रत्येक नागरिकावरचा हा हमला आहे। यांना तोंड देण्यासाठी आपण आपली भूमिका कशी पार पाडावी यावर मंचावर उपस्थित सर्व पदाधिकाऱ्यांनी, सामाजिक संघटनेचे पदाधिकाऱ्यांनी, पत्रकारांनी आणि कार्यकर्त्यांनी आपले 2 शब्द व्यक्त केले। यापुढे होणारे आत्मघातकी हल्ले, देशाविरोधात कारवाया यासाठी आम्ही काय उत्तर देऊ, यासाठी आम्ही काय प्रयत्न करणार आहोत याच्यावरती आमचे विचार विनिमय आम्ही व्यक्त केले। या सर्व गोष्टींच्या विरोधामध्ये जेव्हा आपण एकवटतो तेव्हा
भारतीय म्हणून एकत्र येतो, कोणताही जात धर्म पंथ आपण समोर आणत नाही याचे भान असावे आणि असे आत्मघातिकी हल्ले पुन्हा होऊ नये यासाठी सजग राहावे. 26/11/2008 रोजी जो दहशतवादी हल्ला झाला त्यात शहीद अरुण चिते त्या दिवशी शहीद झाले. ॲक्च्युली त्या दिवशी त्यांची जी ड्युटी होती ती ऑलरेडी संपलेली असतानाही जेव्हा साळसकर साहेबांचा त्यांना कॉल आला की मुंबईमध्ये दहशतवादी हल्ला झालेला आहे, तरी पण ते त्यांनी हा विचार नाही केला की माझी ड्युटी संपलेली मी कसं जाऊ. त्यांनी एकच विचार ठेवला की देशसेवा. ते डायरेक्टली सर्व त्यांनी सोडलं. अक्षरशः जेवणाला बसलेला हा ताटावरचा हात त्यांनी दोन कर्तव्यासाठी गेले आणि त्या ठिकाणी त्यांचं ते त्या ठिकाणी शहीद झाले. तर आज दादांनी जो आमचा आदर केला, पहिली गोष्ट तर त्यांचा मी आभार मानेल की त्यांनी आमचा शहीदांच्या कुटुंबासाठी जो आमचा आदर केला ना त्यासाठी मी त्यांचे खूप आभारी आहे. कोणार्क अपना शहर अपनी बातें. उल्लासनगर कैंप क्रमांक 5 के भाटिया चौक परिसर में भी सभी शहीदों को याद करते हुए श्रद्धांजलि का कार्यक्रम आयोजन किया गया. ये कार्यक्रम शहर के सभी पत्रकार बंधुओं द्वारा किया गया था. मैं आज सबके सामने दो बातें कहना चाहूँगा. आज सबसे पहले तो हमारा संविधान दिवस है. परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया और वह जनता को दिया. आज मैं उनको भी बहुत याद करता हूँ संविधान दिवस पे, क्योंकि वो जो एक शक्ति दी लोगों को, उन्होंने एक बहुत बड़ी शक्ति दी, संविधान की शक्ति दी. और दूसरी बात है कि जब आज हमारे कुछ बाहर के लोगों ने आके हमारे देश यानी हमारे महाराष्ट्र पर हमला किया और उनको उनके ऊपर जो हमारे पुलिस कर्मचारी जो धाव बोला उन्होंने और जिस तरह हमारे महाराष्ट्र को उन्होंने बचाया, हमारे पुलिस कर्मचारियों ने या हमारे कुछ साथियों ने ये भी नहीं देखा कि उनके हाथों में कौन से हथियार हैं, वो उनके ऊपर हल्ला बोल एक टूट पड़े और उन्होंने दिखा दिया कि जान लेने वाले से जान बचाने वाला बहुत बड़ा होता है. और आज मैं अगेन वापस से हमारे जो सर्व पुलिस कर्मचारियों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूँ और उन्हें सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि आज अगर वो हमारे साथ हैं तो वो कभी अमिट नहीं है. उनकी छाप हमारे मनों में हमेशा जागती रहेगी, क्योंकि उन्होंने हमें ही नहीं हमारे परिवार को भी बचाया. मैं वापस से सभी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि कहता हूँ. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम, जय झूलेलाल. भाई शहरावरती तो 26/11 हल्ला झाला होता. त्या हल्ल्यात भारतीय जवान आपले आणि पोलीस दलातील वीर शिपाई जवान शहीद झालेत आणि त्यांच्या आठवणी आपण दरवर्षी आपल्या स्मरणात राहावं म्हणून आपण दरवर्षी त्यांना श्रद्धांजली देतो. विशेष म्हणजे ह्या हल्ल्याला आज 9 वर्ष पूर्ण झालेले आहेत, तरीही मुंबईतील आणि महाराष्ट्राची जनता या हल्ल्याला विसरत नाही आहे. कारण तो हल्ला तसा होता, एक पाकिस्तानने आपल्यावरती हल्ला लढाई केल्याप्रमाणे होते होता. तरी आपण मी सर्व पत्रकारांच्या वतीने आपल्या शहीद बांधवांना आणि जवानांना श्रद्धांजली अर्पित करत आहे. 26/11 का जो मुंबई पे जो पाकिस्तान ने हमला किया था, उस हमले में जो पुलिस जवान शहीद हो गए थे, उसके लिए उल्लासनगर शहर के जो पत्रकार बांधव है, इन्होंने आज का जो कार्यक्रम श्रद्धांजलि का आयोजित किया, ये बहुत ही प्रेरणादायक है. ये दुनिया में ये पाकिस्तान ने जो भ्याड़ हल्ला बॉम्बे के ऊपर किया था, तो उसमें पुलिस वालों ने बॉम्बे के लोगों ने बहुत अच्छा प्रतिकार किया और वो उस हमले में पुलिस ने कसाब जैसे आतंकी को जिंदा पकड़ा था. तो उस हमले की वजह से पुलिस को बहुत सीखने को मिला और इसके ऐसा इसके बाद होना नहीं चाहिए, इसलिए पुलिस दल की तरफ से बहुत कोशिश की गई और उसके लिए और एक स्पेशल फोर्स जैसा फोर्स दिया गया. इस हमले में पब्लिक ने भी बहुत पुलिस का साथ दिया और इसमें जो हमारे बड़े बड़े अफसर भी शहीद हो गए, तो उनके लिए आपने जो आज कार्यक्रम आयोजित किया उसके लिए हम पुलिस की तरफ से आपको धन्यवाद देते. कोणार्क अपना शहर अपनी बातें. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सभी पद अधिकारियों द्वारा उल्लासनगर कैंप क्रमांक 4 के व्यापारियों को और दुकानदारों को एक निवेदन दिया गया और यह अपील की गई कि सभी दुकान के बैनर मराठी भाषा में छापे जाए, जिसका व्यापारियों ने स्वागत किया. महाराष्ट्र शासनाचा अधिनियमच आहे की प्रत्येक महाराष्ट्रामधील जेवढे संस्था दुकाने शाळा महाविद्यालय आहेत त्यांचा व्यवहार त्यांच्या पाट्या
या सगळ्या मराठीत असल्या पाहिजेत, पण या नियमाचं सर्रासपणे महाराष्ट्रात उल्लंघन होत आहे. इतर भाषेमध्ये त्यांच्या भाषेचा ते मान राखत आहेत, पण महाराष्ट्रामध्ये मराठी भाषेचा मान कुठेही राखला जात नाही आहे. जर येत्या 8 दिवसांमध्ये सर्व बँका, शाळा, महाविद्यालय आणि दुकानांनी मराठी पाट्या व मराठीत व्यवहार केले नाही तर त्यांना आम्ही मनसे पद्धतीने आंदोलन करून त्यांना चांगला धडा शिकवू. राजसाहेबांच्या आदेशानुसार महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना उल्हासनगर शहराच्या वतीने आज आम्ही पूर्ण उल्हासनगर शहरात तसंच कॅम्प क्रमांक 4 मध्ये जेवढी आस्थापना आहेत, दुकानं आहेत की हॉटेल्स आहेत, हॉस्पिटल्स आहेत, त्या सर्वांना एक विनंती पत्रक आम्ही त्यांना देत आहोत की महाराष्ट्र शासनाच्या अधिनियम 1948 प्रमाणे मराठी पाट्या असणं गरजेचं आहे दुकानांवरती. आम्ही त्यांना एक विनंती पत्र देण्यात सुरुवात केली आहे की तुम्ही लवकरात लवकर येते 8 दिवसात तुमच्या म्हणजे साईनबोर्डवरती मराठी अक्षर आलं पाहिजे, नाहीतर मनसे आपल्या परीने त्यांना मराठी काय असतं ते त्यांना दाखवून देत. कसं आहे, जी मागे घटना झाली होती महानगरपालिकेत, तर महानगरपालिका ही महाराष्ट्र शासनाच्या अधीन येणारी महानगरपालिका आस्थापना आहे, तर तिथे मराठी भाषेचं उल्लेख असणं गरजेचं आहे. पहिला मान मराठीला, नंतर तुम्ही कुठल्याही जातीमध्ये कुठल्याही भाषेमध्ये लिहा, आमचा काही विरोध नाही. तसंच मार्केटच्या जेव्हा पाट्या आहेत, पहिला तुम्ही मराठीत लिहा नंतर कुठल्याही भाषेत लिहा, आमचा काही विरोध नाही. पण तुम्ही मराठीला डावलत असाल तर मग जसं करणार तसं भरणार. मराठीच्या ज्या उल्हासनगर शहराच्या मनसेच्या वतीनं राजसाहेबांच्या आदेशानुसार राज्य शासनाच्या जीआरनुसार जेवढे आस्थापना दुकानदार आहेत, व्यावसायिक आहेत, त्यांच्या बोर्डवर ही मराठी भाषा अत्यंत गरजेची असल्याकारणाने महाराष्ट्रामध्ये आपण राहत असल्यानं मराठी भाषेला प्राधान्य देण्यासाठी मराठीत बोर्ड पहिला हा प्राधान्य देऊन तुम्ही नंतर तुम्ही कुठल्याही भाषेमध्ये लिहा त्याला आमची कुठलाही हरकत नाही, पण मराठी ही पाटी दिसावी म्हणून पूर्ण व्यापारी बांधवांनाही आम्ही सूचित करतो की कमीत कमी मराठी बोर्ड आपला हा दिसावा, हीच आमची इच्छा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें. देश भर में संविधान दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया. ऐसे में उल्लासनगर शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा भी उल्लासनगर महानगर पालिका में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की प्रतिमा पे फूल अर्पित करके संविधान दिवस मनाया गया और साथ ही साथ 26/11 के शहीदों को याद किया गया. आज संपूर्ण भारत देश के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया था और 26/11/1949 को लागू किया गया था, उसी प्रकार से उल्लासनगर महिला कांग्रेस के तरफ से, सेंट्रल ब्लॉक के तरफ से आज डॉक्टर बाबा साहब ने जो बनाया हुआ संविधान इस देश को दिया था. और जब बाबा साहब ने ये संविधान लागू किया, संविधान समिति ने जब ये लागू किया, तब से लेकर इस भारत देश के सभी गरीबों के लिए, सर्व बहुजन, गरीब, शोषित, दलित, पीड़ित जो भी लोग थे उनके लिए ऐसे प्रावधान किए थे कि जो गरीबों के पास में जिनके पास खेती ना हो तो उनको संपूर्ण देश के अंदर जो गांव है उस गांव में जो पड़ी हुई बंजर जमीन है उनको बांट के दे दो, तो वो किसान हो गए. उसी प्रकार से आरक्षण दिया, छुआछूत को मिटाने का भी काम किया, यानी कि सारे गरीब लोग, इस देश के सभी गरीब लोग ऊपर उठने चाहिए, ये समान होने चाहिए और इनको समान हक मिलना चाहिए. ऐसे विभिन्न प्रकार के इस देश के संविधान में ऐसे प्रावधान किए थे. और उसके बाद जब हमारी माता स्वर्गीय इंदिरा जी गांधी प्रधानमंत्री बनी, उन्होंने जो बाबा साहब अम्बेडकर ने गरीबों के लिए बढ़ाने के लिए जो प्रावधान किया और लागू करने का काम हमारे पहली सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा जी गांधी ने किया. जैसा कि उदाहरण के तौर पर बाबा साहब अम्बेडकर ने जमीन के लिए प्रावधान किया था, जमीन देने का काम इंदिरा जी गांधी ने स्वयं प्रधानमंत्री रहते वक्त उन्होंने सभी गरीबों को जमीन दी थी. उसी प्रकार से शिक्षा में जो गरीब हैं, दलित जो भी थे,
ऐसे लोगों को शिक्षा मुफ्त मिलनी चाहिए, जिनके पास में घर नहीं है उनको एक प्लाट दिया जाना चाहिए और वो घर बनाने के लिए भी सरकार उसको पैसा देती थी, तब उनका घर बनता था। तो आज उसी प्रकार से ये संविधान जब से ये बना है, तब से ये लागू हुआ है, तब से आज अमन चैन से यहाँ संपूर्ण देश की जनता रह रही है। तो इसी प्रकार से उल्लासनगर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने ये यहाँ पे आज संविधान दिन ये मनाया है। और मैं अपील करता हूँ सभी से कि वो बाबा साहब अम्बेडकर के बताए हुए विचारों पे चले। ये आज मैं संविधान के दिन के अवसर पर मैं सभी शहरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। उसके साथ ही साथ 26/11/2008 को जो पाकिस्तान के आतंकवादियों ने जो हमारे भारत देश के ताजमहल पर और कामा हॉस्पिटल पर जो उन्होंने आतंकवादी हमला किया था, उस समय पर हमारे जो महाराष्ट्र के एटीएस के जो पुलिस अधिकारी थे हेमंत करकरे जी और विजय सालस्कर जी, अशोक कामटे जी, यानी कि ऐसे मिलाकर यानी कि 11 हमारे लोग शहीद हुए थे। तो आज उनको हम ये श्रद्धांजलि देते हैं। सभी कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक कार्यक्रम यहाँ रखा है श्रद्धांजलि अर्पित करने का। और ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने अपने देश की सुरक्षा करने के लिए, अपने महाराष्ट्र राज्य की सुरक्षा करने के लिए, बम्बई की सुरक्षा करने के लिए अपने प्राण उन्होंने गवा दिए लड़ते लड़ते, और वो हमारे पुलिस अधिकारी शहीद हो गए, ऐसे परिवार को परमेश्वर उनके परिवार को हिम्मत दे और उनके परिवार को सरकार उनके परिवार को हमेशा उनको सहयोग दे। ऐसी हम कांग्रेस पार्टी के तरफ से यहाँ पर मांग करते हैं और उनको यहाँ कांग्रेस पार्टी के तरफ से सभी महिला कार्यकर्ताओं के तरफ से और हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जय हिंद, जय भीम, जय महाराष्ट्र, जय भारत। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। स्वाभिमानी रिपब्लिकन पक्ष द्वारा भी संविधान दिवस उल्लासनगर महानगर पालिका में मनाया गया। आइए डालते एक नजर। स्वाभिमानी रिपब्लिकन पक्ष, यूथ रिपब्लिकन पक्ष प्रणेते मनोज भाई संसारे, मैं स्वाभिमानी रिपब्लिकन पक्ष जिला अध्यक्ष की तरफ से और अपनी उल्लासनगर जिला कमेटी की तरफ से भारतीय संविधान दिवस इन सभी उल्लासनगर के जिलावासियों को हार्दिक शुभेच्छा। और उसी प्रकार हमारे उल्लासनगर में ईद मिलाद मुस्लिम भाइयों को भी तहे दिल से उन्हें भी मेरी हार्दिक शुभेच्छा। और हमारे 26/11 मुंबई में कुछ दहशतवादियों ने आतंकवादियों ने हल्ला बोला, उसमें हमारे जवान पुलिस जवान शहीद हुए, उन्हें भी भावपूर्ण मेरी तरफ से स्वाभिमानी रिपब्लिकन और जिला कमेटी की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूँ। रिपब्लिकन पक्ष उल्लासनगर शहर जिल्हा यांच्या वतीने पक्ष प्रणेते मनोज भाई संसारे यांच्या वतीने भारतीय संविधान गौरव दिनाच्या शहरवाशांना मनपूर्वक शुभेच्छा। तसेच 16/11 मुंबई झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात हजारो नागरिकांना प्राण वाचवताना शहीद झालेले पोलीस कर्मचारी अधिकारी यांना स्वरूपच्या वतीने दोंदे परिवारच्या वतीने भावपूर्ण श्रद्धांजली। स्वाभिमानी रिपब्लिकन पक्ष यूथ रिपब्लिकन के तरफ से आज हमारे उल्लासनगर शहर कमेटी के तरफ से भारतीय संविधान दिन जो परम पूज्य नेते डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के हर इंसान को कि जिनको यहाँ पर मुंह होते भी वो बोल नहीं पाता था, कान होते हुए भी वो सुन नहीं पाता था और बुद्धि होते भी वो अपनी बुद्धि को नहीं पहचान पाता था, और ये करिश्मा केवल बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश में पूरे विश्व के अंदर गौरवनीय काम किया है कि इस देश को एक अच्छी संविधान उन्होंने भेंट दी है।
तो इस देश का, इस संविधान का गौरव वही बाबा साहब अम्बेडकर का गौरव है। और इसी के नाते मैं थाना जिला महासचिव के नाते पूरे जिले में और पूरी उल्लासनगर शहर के सभी वासियों को इस संविधान के संविधान दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भीम। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। उल्लासनगर कैंप क्रमांक 4 के वसीडा कॉलोनी परिसर में विद्युत विभाग की लापरवाही से किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है और इसमें कई लोगों की जानें भी जा सकती है। आखिरकार क्या है ये खबर, आइए डालते इस रिपोर्ट पे एक नजर। लगातार शहर की विद्युत विभाग की जो है लापरवाही, हम आपको बताते आ रहे हैं कि किस प्रकार से कई जगहों पर यदि बात करेंगे तो जो पोल है और जो लाइट के जो वायर्स हैं वो काफ़ी खराब परिस्थिति में है, जिसके वजह से आए दिन हादसे होते रहे और काफ़ी लोगों ने अपनी जानें भी गंवाई इन हादसों में। लेकिन उसके बाद भी यदि विद्युत विभाग की यदि बात करें तो किसी भी तरीके की कोई भी वो अपनी लापरवाही से बाज नहीं आ रहा। ऐसे में उल्लासनगर कैंप क्रमांक 3 के वसीडा कॉलोनी की हम आपको एक तस्वीर बताएंगे, जो कि जहाँ के लोग किसी भी वक्त जो है हादसे के शिकार हो सकते हैं और यहाँ पर कई लोगों की जानें भी जा सकती है। आप ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं जो ट्रांसफार्मर है काफ़ी जूना पुराना ट्रांसफार्मर है जिससे पूरी तरीके से जंग लग चुकी है और पास में ही रेलवे ट्रैक है जिसके वाइब्रेशंस की वजह से ये चीज़ यहाँ पे होती है कि इसके जो काफ़ी हिस्से हैं वो आधे से ज़्यादा जो है गिरने की परिस्थिति में, वो किसी भी वक्त गिर सकते हैं। यदि इस समय जब हम यहाँ पर बैठ के आपको जो खबर बता रहे हैं, इस समय यदि यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई ट्रेन स्पीड में जाती है तो उसके वाइब्रेशन से या फिर कोई हवा यहाँ से अगर तेज यहाँ पर चलती है तो किसी भी वक्त ये गिर सकता है और यहाँ पर लोग अपनी जान गंवा सकते हैं। कई बार शिकायत यहाँ पर नगर सेवकों को की गई है लेकिन किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं। उसके बाद यदि बात करेंगे तो विद्युत विभाग को भी इसको हटाने की कई बार मांगे की है लेकिन अब तक कुछ भी नहीं हुआ। नागरिक जानने की कोशिश करते हैं कि कितनी दिक्कत है इन्हें यहाँ पे हो रही है। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कितना जूना ट्रांसफार्मर है ये और इसको, इसकी जो मेन लाइन से कब कटिंग की गई थी और अब इसकी परिस्थिति कैसी है। 70 साल हो गए इस लाइन, ये खंभे यहाँ से लगे ले और हम लोगों ने कई बार इतनी बार उनकी कंप्लेंट की है, हमारी अनसुनी हुई चीज वहाँ वो फैली है और हमको भी यहाँ पे आप खुद देख रहे हो कि यहाँ पे हमारे आने जाना है, बच्चे लोग आते जाते, किसी के सर के ऊपर गिरेगा, किसी के घर के ऊपर गिरेगा तो किसी की भी जान जा सकती है। तो हमारी ये गुजारिश है कि यहाँ से इसको हटाया जाया जाए। जानना चाहेंगे काफ़ी घर जो है इसके आसपास है क्योंकि लगे हुए घर है, तो कभी ऐसा हुआ हुआ कि कुछ इसका मलबा यहाँ पे गिरा हो या फिर कुछ हाथ बारिश में गिरा ना, मलबा गिरा ना, ये बारिश में जो उठाया ना हम लोग ने सब, और कभी ट्रेन इतनी स्पीड में आती है कभी वो ट्रेन की वजह से ये गिर जावे तो बच्चे भी जावे हम भी जावे ना। आसपास कितने घर है? आसपास में है कितना, 10-12 घर है। कई बार शिकायत करने के बाद भी जो है नहीं किया गया, नहीं आया ना, वो बोडारा भी आया तो सभी आया था ना, देख के गए खाली। तो उनका एक कर्मचारी हमको बोला कि बाबा ये कुछ होने वाला नहीं है, आप एक के काम करो, इसको जो सामान निकाल के बेच डालो। तो हम कैसे बेचे उनको, हम अपने कानून अपने हाथ में कैसे लेवे, आप काट लो ये कर लो ले भेज डालो, हम कैसे कर सके, जो भी करेंगे वो करेंगे, हम कैसे करें। हम इतनी बार कंप्लेंट करने के बाद भी उनको बोलते हम आए थे, कनेक्शन कट करके गए हैं, लाइट बंद है ये, लेकिन लाइट बंद होने के बाद भी क्या, अगर वो गिर गया तो किसका जान जाने वाले, उसकी जवाबदारी कौन लेगा, सरकार लेगी कि हमारे की जवाबदारी के ऐसा होने वाला है कुछ। यानी कि उनका कहना है कि खुद जो है यहाँ से हटाया जाए वो नहीं हटाएंगे, ऐसा कहना उनका कि खुद जो है इसको हटाया जाए वो खुद से नहीं हटाएंगे। वो हम लोग ने इतनी बार बोला आने के लिए राजी ही नहीं है, वो लोग बोलते हैं कि बाबा अभी जूना हो गया है और तुम लोग खुद एक एक करके सामान निकाल के बेच डालो। अरे हम लोग कैसे निकल के बेचे, वो इतना जंग खा गया पूरा, कितना साल 70 साल पुराना ही है, अभी वो कभी भी गिर जाएगा तो उसका कौन गारंटी लेगा। तो जोखम को काम है ना बेचना, ये तो सरकारी काम है, सरकारी आदमी आएगा वो निकालेगा ना, हम थोड़ी निकाल सकते हैं। ये दिक्कत ये है कि कभी हवा जोरदार चलती है तो कहीं पे भी गिर सकता है। देखो यहाँ पे छत पे भी गिरा है, खाली थोड़ा भी अगर नट खुल जाए तो पूरा छत पे आ जाएंगे और जान माल का नुकसान हो सकता है। मतलब कोई बड़ी दुर्घटना घटे उससे पहले इसको हटा दिया जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे आसपास में बहुत बच्चे खेलते भी है और रहते भी लोग, तो किस पे भी गिर सकता है। ये खम्भा इस बाजू भी झुक रहा है, अगर यहाँ पे गिरेंगे तो कोई बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ट्रेन जाओ तो ट्रेन की वजह से भी गिर सके ना, कितनी बहरहाल यदि बात करेंगे तो काफ़ी पुराना जो है ये ट्रांसफार्मर है और इसकी काफ़ी परिस्थिति ख़राब है। एक बार जो है करीबी से मैं बताना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से ये जो खंभा है पूरा ट्रांसफार्मर पूरी तरीके से जंग खा चुका है और जो जिससे नट से जो कि जुड़े हुए हैं पूरी तरीके से जंग खा के सड़ चुके हैं और किसी भी वक्त यहाँ पर हादसा हो सकता है। यानी कि यदि आज हम आपको ये खबर बता रहे हैं तो इसके कुछ मिनटों बाद यहाँ पर हादसा हो सकता है या फिर कल हादसा हो सकता है, किसी भी वक्त यहाँ पर हादसा हो सकता है और यहाँ पर जाने जो जरूर जाएगी, जिसके खामियाजा जिस तरीके से लापरवाही करते आ रहा है विद्युत विभाग और नगर सेवक दोनों ही अपने पल्ले झाड़ रहे हैं, तो यहाँ पर यदि किसी की जान जाएगी तो इस जान का जान जाने का जो जिम्मा है कौन उठाएगा।
कैमरा पर्सन सोनू शिंदे के साथ कुणाल कपूर, कोणार्क न्यूज। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। लगातार कई बार हमने आपको बताया कि उल्लासनगर के स्काई वॉक की परिस्थिति काफी खराब है, जिसके वजह से आए दिन वहां पर दुर्घटनाएं होती है और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इन दुर्घटनाओं में कई लोग गंभीर रूप से भी घायल हो जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए एक मुद्दा सामने आया, जिसे शिवसेना के युवा के पदाधिकारियों द्वारा इस मुहिम को छेड़ा गया और एक सराहनीय कार्य किया गया। क्या ये खबर, आइए देखते हैं। हमने जिस प्रकार से आपको कई बार अपने चैनल के माध्यम से बताया है कि MMRDA द्वारा बनाया गया जो स्काई वॉक है वो नागरिकों की सुविधा के लिए बनाया गया था, लेकिन अब जो है ये नागरिकों के लिए एक परेशानी का कारण बन चुका है। जिस तरीके से यहाँ पे मेंटेनेंस का ध्यान नहीं दिया जाता है, उसी के साथ साथ यदि बात करेंगे तो स्काई वॉक की परिस्थिति इतनी ख़राब होती जा रही है कि दिन ब दिन यहाँ पे हादसे भी हो रहे हैं। ऐसे में यदि बात करेंगे तो स्काई वॉक की जो रेलिंग्स है ये कई जगहों पे अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से निकाल दी गई है, यानी कि चोरी कर ली गई है कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा। तो इससे जो है ये हादसे हो रहे थे कि जो बुजुर्ग या फिर कोई व्यक्ति है या फिर कोई स्काई वॉक से जाता था तो वो कई बार जो है स्काई वॉक के उन इलाकों में गिर चुका है, जगहों पर गिर चुका है जहाँ पर रेलिंग्स नहीं होती थी। इसके बाद युवा सेना यानी कि शिवसेना के युवा सेना के जो है कार्यकर्ताओं ने इस पर दखल दी और जिस तरीके से जो स्काई वॉक की जो रेलिंग्स थी, जो कि जहां पर रेलिंग्स नहीं थी जिधर पे दुर्घटनाएं होती, एक बुजुर्ग महिला की दुर्घटना में भी जो है काफ़ी गंभीर रूप से वो घायल हुई थी, तो उसके बाद जो है युवा सेना के कार्यकर्ताओं ने शिवसेना के जो है उस जगहों पर आप देख सकते हैं कि कहीं पर जो ये रेलिंग्स नहीं थी वहाँ पर जो है रेलिंग्स लगाई और जो बांबू रहता है उसे पूरे तरीके से कवर किया गया है। बहरहाल जो पहल यहाँ पर की गई है जिस तरीके से घटनाएं हो रही थी उस घटना को रोकने के लिए युवा सेना द्वारा जो अच्छे प्रयास किए गए हैं, तो अब जो परिस्थिति है यहां पर थोड़ी बहुत राहत की, लेकिन जिस तरीके से जो MMRDA ने बनाने के बाद अब इसको पूरी तरीके से छोड़ दिया और ये लावारिसता पड़ा हुआ स्काई वॉक जो कि लोगों की मुसीबत का कारण बन रहा है, तो और भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को देखना होगा कितनी जल्दी हल कर पाते हैं। कैमरा पर्सन सोनू शिंदे के साथ कुणाल कपूर, कोणार्क न्यूज। महानगरपालिका च्या अंडरमध्ये आणि MMRDA चं काम आहे, अक्षरशः 20 फूट खोल ही तर रॅलिंग नव्हती। साधा प्रश्न आहे, एकदम सुरळ साधा प्रश्न आहे की इथं कमीत कमी 1000 पब्लिक रोजचं येणं जाणं आहे, दोन्ही साईडला रॅलिंग नाही, रात्रीच्या वेळेला एखादा अंधळा व अपंग कोण आला तर डायरेक्ट 20 फूट खाली जाईल अशी परिस्थिती परवा घडली। कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांनी त्या व्यक्तीला ॲडमिट करून त्याचा उपचार केला, तरी आम्ही तातडीने रेल्वे कमिटी आमच्या खासदार रेल्वे कमिटीमधून आणि कॉलेज कक्ष या लोकांनी आम्ही स्वतः सह घरच्यानं येऊन ही रॅलिंग मानलेली। मला फक्त एवढंच निवेदन की महानगरपालिका तर काय करू शकत आहे, MMRDA ने आज करोडाचा एवढा मोठा प्रोजेक्ट उभा केलेला आहे, त्याचा उपयोग काय, लक्ष देणारा कोण नाही, प्रशासन गेलं कुठं, याला जबाबदार कोण, शिल्लक गोष्टी महानगरपालिकेची जाऊन जबाबदारी आहे की इथे येऊन बघावं, नुसतं झाडू मारणं एक काम नाही की स्वच्छताचे फोटो पण टाकलेले आहेत, पूर्ण इथं रोज कॉलेजचे पूर्व विद्यार्थी येणं जाणे आणि अक्षरशः पूर्ण रॅलिंग नाही आहे, कॉलेजच्या विद्यार्थ्याला हा जीव धोक्यात घेऊन जायला लागतो। आज आम्ही एक साधीशी गोष्ट केलेली आहे की एक सिम्पलचा एक रॅलिंग पूर्ण स्वतः उभं राहून आम्ही बांधून घेतलेलं आहे, हे काम कुणाचं आहे, MMRDA आज करोडोने एवढं निधी लिहिला, कमीत कमी 15 ते 20 करोडाचा हा ब्रिज बांधलेला आहे, पण आज 3 महिने झाले याच्याकडे बघायला कोण नाही, ह्याच्यापुढे ही जर कुठली घटना झाली असेल याचा फक्त जबाबदार MMRDA आणि महानगरपालिकेचं प्रशासन राहील। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। साधु वासवानी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर उल्लासनगर कैंप क्रमांक 1 में साधु वासवानी जी की प्रतिमा पर लोगों ने फूल अर्पित करके उनका जन्मदिन मनाया और ऐसे में पूरे देशवासियों से ये अपील की गई कि मांस मछली छोड़कर शाकाहारी बने। आइए डालते एक नजर। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। कल्याण विठलवाड़ी के बीच कुछ तकनीकी खराबी के कारण कुछ घंटों तक लोकल ट्रेन बंद पड़ गई,
जिसके बाद यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और यात्री रेलवे ट्रैक पर चलते हुए नजर आए। कल्याण और विट्ठलवाड़ी के बीच कुछ घंटों तक लोकल ट्रेन बंद रही, जिसका कारण यह बताया गया कि तकनीकी खराबी के कारण लोकल ट्रेनें बंद थी, लेकिन काफी घंटे तक बंद रही इन लोकल ट्रेनों के चलते यात्रियों को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा और घंटों तक रुकी ट्रेनों से उतरकर यात्री रेलवे ट्रैक पर चलते हुए नजर आए और कई यात्रियों ने अपना सफर रेलवे ट्रैक पर चलकर पूरा किया। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। उल्लासनगर कैंप क्रमांक 3 के 17 सेक्शन परिसर में ओपो की नई गैलरी का उद्घाटन किया गया। आइए डालते एक नजर। गुड इवनिंग, वेलकम टू ओपो एक्सक्लूसिव शोरूम। मेरा नाम शोएब शेख है, आई एम द मैनेजर ऑफ दिस शोरूम। उल्लासनगर में सेक्शन 17 में मोबाइल बाजार में एक नया शोरूम खुला है ओपो का, जहाँ पे आपको फुल सर्विस मिलेंगे ऑफ ओपो। ओपो का आप कोई भी ब्रांड एंड सेट यहाँ पे आके कभी भी ले सकते हो। टाइमिंग है 11 to 10 एवरी डे, वी आर वर्किंग 365 days। और आपको यहाँ पे जो एक्सपेक्ट करते हो सर्विस, आप उससे ज़्यादा सर्विस आपको यहाँ मिलेगी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है ओपो शोरूम में। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। तो ये थी शहर की कुछ गतिविधि, आइए अब नजर डालते हैं शहर की आपराधिक घटनाओं पर। परिसर में बड़ीराम म्हात्रे नामक व्यक्ति के घर में चोरी की घटना सामने आई है। संबंधित व्यक्ति के घर में किसी अज्ञात चोर द्वारा कुल 20,000 रुपए की चोरी कर ली गई है। ये पूरा मामला हिललाइन पुलिस स्टेशन में दर्ज और पुलिस आईपीसी की धारा 457, 454 और 380 के तहत अज्ञात चोर की खोज कर रही है। उल्लासनगर 4 ओटी सेक्शन परिसर में अनिल जाधव नामक व्यक्ति के घर में चोरी की घटना सामने आई है। संबंधित व्यक्ति के घर में कोई नहीं होने का फायदा उठाते हुए किसी अज्ञात चोर द्वारा कुल 16,000 रुपए की चोरी कर ली गई। ये पूरा मामला विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन में दर्ज और पुलिस आईपीसी की धारा 454, 457 और 380 के तहत अज्ञात चोर की तलाश कर रही है। अंबरनाथ डॉर्ली परिसर में कुछ दिनों पहले एक नवजात शिशु पाया गया। बताया जा रहा है कि अनैतिक संबंधों से जन्मे इस नवजात शिशु की असलियत छुपाते हुए ये गुनाह किया गया है। ये पूरा मामला हिललाइन पुलिस स्टेशन में दर्ज और पुलिस आईपीसी की धारा 318 के तहत आगे की कार्रवाई कर रही है। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। तो ये थी आज की कुछ खबरें, आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए देखते रहिए कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। धन्यवाद।